नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान है या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी फ्यूचर का ऊपर बेस करके ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मेरा जो आज का मेन टॉपिक है रेंज बाउंड मार्केट में कैसे काम करना है। बहुत बंदा ये क्वेश्चन करता है जो साइडवेज मार्केट में रेंज बाउंड मार्केट में आपका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। पहला बात है, ऐसा कुछ रूल नहीं होता है जो सुबह को आपको पता चल जाएगा जो आज को मार्केट साइडवेज जाने वाला है या रेंज बाउंड जाने वाला है। अगर ये चीज सुबह को ही पता चल जाता तो काम बहुत ईजी हो जाता। तो ये तो मार्केट निकल जाने के बाद पता चलेगा जो आज को मार्केट इतना साइडवेज था या इतना रेंज बाउंड था, काम करना सही नहीं था। तो अगर आपको लॉजिक पता है तो आप इस तरीका का मार्केट को मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं या इस तरीका का मार्केट में काम कर सकते हैं। तो आज को मैं उसी चार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। आज को 30 तारीख 30 अगस्त का निफ्टी फ्यूचर का चार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आज को जो जो बंदा इस मार्केट को देखा है सबको पता है जो मार्केट कैसा गया, तो इस तरीका का मार्केट में कैसा सोच बनाना है, ये सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्राडे में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मतलब ये नहीं जो मैं डेली से पैसा ही बना रहा हूँ, प्रॉफिट बनाने के साथ साथ लॉस को रोकना वन काइंड ऑफ प्रॉफिट होता है। अगर आप किसी दिन ट्रेड नहीं किए और लॉस भी नहीं खाए तो भी ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। तो देखिए आज का मेरा सोच क्या रहा, या हर आज का बोल के नहीं, हर रोज मार्केट में आपको किस सोच से बनाना है। अभी देखिए ये आज का फर्स्ट कैंडल है, ध्यान से देखिए ये फर्स्ट कैंडल बना। फर्स्ट कैंडल हम लोग जैसे बोलते हैं मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब कैंडल का साइज बहुत कुछ बोल देता है मार्केट। अगर बहुत टाइम ऐसा भी वीडियो में बताया हूं जो फर्स्ट कैंडल का बहुत लंबा बन गया है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो शायद साइडवेज होने वाले हैं, उसका एक अंदाजा हम लोग को फर्स्ट कैंडल को देखते हुए लगता है। बट आज का जो फर्स्ट कैंडल है ये काफी सिंपल है, नॉर्मल है। अब यहां पर एक पॉइंट मुझे नोटिस में आ रहा है वो है ये ब्रेकआउट जोन का ऊपर ओपन हुआ है। जैसे मैं बहुत टाइम बताया हूं अगर मार्केट ब्रेकआउट जोन का ऊपर ओपन होता है तो मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी होता है मार्केट नीचे गिरने का। कितना नीचे गिरेगा, क्या क्या लेवल हो सकता है। एक लेवल हो सकता है आपका रेड डॉटेड लाइन जिसे हम लोग सपोर्ट कहते हैं, एक ब्रेकआउट होता है, एक अगले दिन का मार्केट जहां पर क्लोज हुआ था ये एक रेंज हो सकता है, और मार्केट अगर और नीचे गिरा तो नीचे में एकदम ब्रेकडाउन बोल के एक चीज होता है वहां तक भी जा सकता है। तो ये सारा लेवल हो सकता है आज को, तो ये मैं पहली सोच लिया। अब ऐसा भी हो सकता है जो मार्केट ऊपर का तरफ जाए, तो ऊपर का तरफ जाएगा तो कौन सा लेवल होगा, एक ही लेवल मुझे दिख रहा है वो है ग्रीन डॉटेड लाइन आज के लिए, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट जैसे कैंडल खत्म होगा ना तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो का नीचे दो लाइन को ड्रॉ कर लूंगा। सपोज मैंने अभी आपका सामने ये लाइन ड्रॉ किया। अब रूल क्या है, रूल यही है जो आज को ब्रेकआउट जोन का ऊपर ओपन हुआ है उस हिसाब से मार्केट नीचे गिर सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। बट वो कब होगा, जब फर्स्ट कैंडल का लो का नीचे कोई कैंडल आएगा या क्लोज होगा। अदरवाइज मार्केट ऊपर भी जा सकता है जिसका चांसेस कम है बट है। बट वो भी कब होगा, जब फर्स्ट कैंडल का हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगा या जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। अभी कंडीशन का हिसाब से देखा जाए कि नीचे का रिबाउंड ग्रीन है, ब्रिज आपका फेवर में है, ऊपर में 5 डिग्री 15 सारा ग्रीन में है, सब कुछ बाइंग बाइंग फेवर में दिख रहा है। बट आप बाय कब कीजिएगा, जब फर्स्ट कैंडल का हाई को तोड़ेगा। तो ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई या लो का नीचे मैंने जो लाइन ड्रॉ कर दिया हूं, अभी आपको देखना है ये दोनों लाइन का नीचे कोई कैंडल क्लोज हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं जो टच करके ऊपर चला गया। क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए आगे क्या होगा ये तो मुझे भी पता नहीं है। 9:15 से लेकर 10:15 एक घंटा निकल गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ना ही ऊपर का रेड लाइन का ऊपर जा रहा है मार्केट और ना ही नीचे का रेड लाइन का नीचे जा रहा है मार्केट, तो इसे ही हम लोग रेंज बाउंड कहते हैं। तो ये मार्केट चलने का बाद पता चल रहा है, ये सुबह कोई पता नहीं चलेगा। जैसे साइडवेज मार्केट के लिए मैं बहुत टाइम ऐसा बताया हूं जो किसी दिन अगर मार्केट का फर्स्ट कैंडल बहुत लंबा हो जाता है तो उस दिन ऐसा होगा। तो आज को तो कैंडल उतना लंबा नहीं था बट आज को भी ऐसा हो रहा है। रूल का हिसाब से देखिए फर्स्ट कैंडल का ना ही लो तोड़ रहा है ना ही हाई तोड़ रहा है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर आपको लॉजिक पता है मुझे काम करना कब है तो तब तक आपको वेट करना है। मार्केट एक रिदिम में चलता है, जब तक वो उसका सेंटिमेंट को तोड़ेगा नहीं, वो सिचुएशन बनेगा नहीं, आप यहां पर कुछ नहीं कर सकते। अल्टीमेट देखिए देखते देखते यहां पर 12:45 पे एक सेलिंग का कॉल बना था। तो क्या ये सेल का कॉल में ट्रेड किया जा सकता है, ये क्वेश्चन मन में आ सकता है। तो अगर सॉफ्टवेयर का लॉजिक के बारे में बात करेंगे, स्टार नीचे करीबन ग्रीन है, सॉरी रेड है, स्टार बना है रेड का, ब्रिक्स आपका पेपर में, लॉजिकली यहां पर ट्रेड बनता है। बट फर्स्ट कैंडल का लो जो लाइन मैंने ड्रॉ किया हूं, याद रखिएगा ये पैरामीटर बहुत वाइटल है। आप यहाँ पर ट्रेड तो ले सकते हैं बट ये जब तक ये लाइन को तोड़ेगा नहीं तब तक वो स्ट्रेंथ आपको मिलेगा नहीं,
क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट काम नहीं करेगा। अगर आप यहां पर एंट्री लिए भी है तो देखिए दो कैंडल बाद यहां पर मेरा ब्रिज का कलर ब्लू होना शुरू कर दिया, तो मेरा सॉफ्टवेयर का ये एक प्लस पॉइंट है। अगर मैं प्रॉफिट नहीं बना सकता हूं तो मैं लॉस भी होने नहीं दूंगा, जितना कम से कम वैल्यू में मिनिमम वैल्यू में आपको निकल जाने का कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेट क्या होगा, ब्रिक्स होने ब्लू ग्रीन हो गया, इसका मतलब मार्केट रिवर्सल हो गया, फाइनली बाय का कॉल बन गया। अब ये बाय का कॉल में भी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे का रिबन अभी भी रेड है, ब्रिक्स आपका फेवर में है, चलो ठीक है, स्टार बना नहीं है, और वही रेड लाइन जिसका बात अभी तक हो रहा था, 2:15 बज गया, अभी भी उसी जगह पे घूम रहा है। अभी एक कैंडल उसको टच करके ऊपर गया था, फाइनली देखिए ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का हाई को तोड़ा। इसका टाइमिंग देख लीजिए, 2:15, तो 2:15 का जो कैंडल है, यहां पर ट्रेडर का एक सेंटिमेंट चेंज हुआ है, ये चीज को समझना। मतलब इतना दूर तक एक ट्रेडर को, आज को जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, उसका पहले यहां पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। 2:15 पे नीचे का रिबन कलर भी ग्रीन हो गया है, ब्रिक्स भी पहले से ही चल रहा है, और सबसे जो मेन रूल है आज का वो है फर्स्ट कैंडल का जो हाई वो अभी जाके तोड़ रहा है। अब यहां पर तोड़ने का मतलब यही है, जो सेंटिमेंट कुछ चेंज हुआ है, अब ट्रेडर चाहता है थोड़ा ऊपर लेके जाना, इतना दूर तक आपको रोका हुआ था, और अगर ये ऊपर लेके जाता है कितना लेके जाएगा, ये ग्रीन डॉटेड लाइन जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, वेरी सिंपल। तो यहां पर क्या ट्रेड कर सकते हैं, देखिए अगर फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ने का बात होता है तो यहां पर ट्रेड हो सकता है, बट अगर आप सॉफ्टवेयर का कंडीशन देखेंगे, यहां पर एक चीज अभी भी मिसिंग है, वो है स्टार। स्टार कौन सा कैंडल पे बना, उसका बाद वाला कैंडल पे बना, और मैं हमेशा यही चीज बोलता हूं, जो स्टार कैंडल का हाई तोड़ने के बाद ही ट्रेड लगाइएगा। स्टार तो बन चुका है, अब यहां पर हम लोग जब घुसने जा रहे हैं तो नेक्स्ट कैंडल ने गिरा दिया, तो यहां पर आपको फंसा सकता है। बट एक बार फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ने का, जनरली ये कुछ ना कुछ मोमेंटम करेगा। अल्टीमेट देखिए, इफ ये स्टार कैंडल का हाई को नहीं तोड़ा तो मैं यहां पर रुक गया, एज पर सॉफ्टवेयर लॉजिक सेल का कॉल बना, बट सेल का कॉल परफेक्ट नहीं है, कंडीशन का हिसाब को पता चल रहा है, क्योंकि यहां पर नीचे का रिबोन अभी भी ग्रीन है, चलिए रेड हुआ था बट अभी तक यहां पर स्टार नहीं बना, स्टार आके चला गया, कैंडल जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक कंफर्म नहीं होगा। अब ये जो स्टार वाला कैंडल जिसका मैं बात बोल रहा था, अगर मैं इसका हाई का ऊपर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहां पर देखिए इसका हाई को तोड़ा और मार्केट ने मूवमेंट करना शुरू किया, और ये मूवमेंट कब तक किया, वही ग्रीन डॉटेड लाइन का आसपास मार्केट लेके खड़ा कर दिया। तो अगर मैं आज का फुल डे का चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके देखता हूं तो देखिए फर्स्ट कैंडल का लो का नीचे मार्केट आया ही नहीं, तो नीचे का तरफ मूवमेंट हुआ, ऊपर का तरफ मूवमेंट हुआ कब, 2:15 का बाद, उसका अंदर भी मार्केट एक बार आपको फंसाया था बट फाइनली ये ऊपर लेके गया। तो दैट इज द लॉजिक, लॉजिक को समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग का मतलब ही होता है अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं जो कहीं पर भी बैठकर हम लोग ट्रेड बना लिए। अगर आप लॉजिक को समझेंगे तो एटलीस्ट आप लॉस नहीं खाएंगे, आप भले किसी दिन काम नहीं कर रहे, आज का हम लोग सॉफ्टवेयर के हिसाब से 2:15 तक हम लोग बैठे रहे, क्योंकि रूल यहां पर मैच नहीं कर रहा है। रूल जब मैच किया तब जाके ऊपर लेके, तो कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है, लॉजिक को फॉलो कीजिए, मैं जो बार बार बताता हूं, जितना सही लॉजिक को समझ के काम करेंगे, आगे क्या होगा, आज को क्या होगा, ये सुबह को पता नहीं चलेगा, बट आपके पास रूल अगर सही है, अगर आप सही प्रेडिक्शन से काम कर रहे हैं तो मार्केट जैसा भी रहा आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लेंगे या लॉस से बच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम को देखिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे, और मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।